अब सबसे पहले यहाँ पर इस SMPS में देखें, जहाँ पर AC वोल्टेज देते हैं 230 वोल्टेज की, तो यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, ये भी बुरी तरीके से फॉल्ट हुआ हुआ है इसके अंदर, यानी कोई भी हाई वोल्टेज आता है उसकी वजह से भी ये हो जाता है कई बार। और यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है 4 डायोड से, ये चारों डायोड भी इसकी ख़राब है, यानी मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं तो इनके अंदर बीप की आवाज़ आती है। और यहाँ पर ये पावर ट्रांसफार्मर है, इनको स्विचिंग करने के ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर भी ख़राब है इसके। इन ट्रांजिस्टरों के नंबर आते हैं 13007 नंबर के भी आते हैं और 13009 नंबर के भी ट्रांजिस्टर आते हैं ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, वैसे तो कोई भी SMPS होती है उसको ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप किसी भी प्रकार की SMPS की रिपेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि SMPS की रिपेयरिंग करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। मैंने भी इस चैनल पर काफ़ी SMPS के रिपेयरिंग के वीडियो डाल रखे हैं, आप चैनल में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले जो स्टेप आती है रिपेयरिंग करने की, वो सबसे पहली स्टेप आती है यहाँ पर जो DC वोल्टेज बनता है, इस सेक्शन को ठीक करेंगे और यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर है इनको भी रिप्लेस करेंगे। और दूसरी सेक्शन आती है इसके अंदर, ये एक्जिलरी पावर सप्लाई बनाता है ये ट्रांसफार्मर, यानी स्टैंड बाय सप्लाई भी बोलते हैं इसको। ये 2 सप्लाई बनाता है, एक 5 वोल्ट की और एक होती है 15 वोल्टेज या 18 वोल्ट या 21 वोल्ट 24 वोल्ट की, तो इनको भी एक बार टेस्ट करेंगे। और तीसरा सेक्शन आता है इसका आउटपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन में यहाँ पर ये 3 स्कोट की डायोड लगी हुई है 2, और यहाँ पर ये PWM IC है, UTC 75, इनको भी एक बार मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले इन 4 डायोड को रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है इसको भी दूसरा लगाएंगे, और यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं इनको भी चेंज करेंगे एक बार। अब इस SMPS में जहाँ पर DC वोल्टेज बनता है उस सर्किट को ठीक कर दिया है, यहाँ पर ये 4 डायोड भी चेंज कर दिए है और यहाँ पर ये फ्यूज़ भी, और एक कैपेसिटर ख़राब था उसको भी मैंने चेंज कर दिया है, और यहाँ पर ये 2 पावर ट्रांजिस्टर है, इनको लगाने से पहले यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर 2 सप्लाई बनाता है स्टैंड बाय सप्लाई, वो 5 वोल्ट की तो इस कैपेसिटर पर आएगी और 18 वोल्ट या 24 वोल्ट की सप्लाई इस कैपेसिटर पर आएगी। पहले इन दोनों सप्लाईयों को टेस्ट करेंगे, उसके बाद में ही इन दोनों ट्रांजिस्टरों को लगाएंगे। अगर पहले लगा देते हैं तो इस सेक्शन के अंदर कोई ख़राबी होती है तो उसको ठीक करने के अंदर असुविधा होती है, इसलिए इनको बाद में लगाएंगे। पहले मैं इसमें इनपुट देके टेस्ट करता हूँ।
दोस्तों, अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो आप इस प्रकार की एसएमपीएस की रिपेयरिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज होता है और हाई वोल्टेज के कारण आपको शॉक भी लग सकता है और दुर्घटना भी हो सकती है। तो सावधानी पूर्वक काम करना। अब यहाँ पर इनपुट सप्लाई देंगे एसी वोल्टेज की, वो सीरीज लैंप की सहायता से ही देंगे, ताकि इस सर्किट के अंदर कोई खराबी हो तो ये बल्ब जल जाएगा और आगे सर्किट के अंदर कोई खराबी नहीं होने देगा। तो मैं अब सप्लाई को ऑन करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर डीसी वोल्टेज टेस्ट करेंगे। ये इसके 254 वोल्टेज आ रहे हैं डीसी वोल्टेज, और अब मैं इसका एसी वोल्टेज टेस्ट करता हूँ और ये एसी इनपुट आ रही है इसके अंदर 198 वोल्टेज एसी वोल्टेज। अब दोनों कैपेसिटरों पे वोल्टेज टेस्ट करेंगे, दोनों पे समान वोल्टेज आने चाहिए। यहाँ पर इस कैपेसिटर पर 126 वोल्टेज आ रहा है और इस कैपेसिटर पे भी 126 वोल्टेज आ रहा है। और अब इसमें जो एक्सिलरी पावर सप्लाई बनती है उसको टेस्ट करते हैं 5 वोल्ट की, यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो ये 4 यानी 5 वोल्टेज आ रहा है और दूसरी सप्लाई यहाँ पर आएगी, ये 22 वोल्टेज आ रही है दूसरी सप्लाई इसकी। अब इसमें इन दोनों ट्रांजिस्टरों को भी चेंज कर देंगे और इसके आउटपुट को टेस्ट करेंगे। अब मैं ये दोनों ट्रांजिस्टर भी इसके लगा लेता हूँ। ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं इसके 13007 नंबर के, ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं। और ट्रांजिस्टर को लगाने के बाद में इसकी बॉडी से टेस्ट करेंगे, किसी भी पिन पे कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टरों को चेंज कर दिया है और इसमें पावर देने से पहले यहाँ पर ये 3 शॉट की डायोड लग रही है, इनको भी टेस्ट मारेंगे। और आउटपुट में यहाँ पर कैपेसिटर लग रहे हैं, इनको भी एक बार देखेंगे, कोई खुला हुआ या फटा हुआ कैपेसिटर नहीं होना चाहिए। ये डायोड इसका ओके है और यह भी ओके है। और यहाँ पर इस डायोड के अंदर कंटिन्यूटी आ रही है, वो यहाँ पर एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लग रही है, इसके कारण से आती है 3.3 वाली लाइन पे। इसको हटाकर टेस्ट करेंगे तो सही आ जाएगी। और अब मैं इसमें पावर चालू करता हूँ। पहले इस ब्लैक वाली प्रोब को ब्लैक वायर पे लगा देता हूँ यहाँ पर, और 5 वोल्ट की लाइन में एक बल्ब भी लगा देता हूँ मैं। और पावर को चालू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन वायर के अंदर वोल्टेज टेस्ट करेंगे, यहाँ पर 5 वोल्टेज आने चाहिए। तो यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है। और अब एसएमपीएस को ऑन करने के लिए ग्रीन वायर और ब्लैक वायर में एक वायर का टुकड़ा लगाएंगे, ऐसे शॉर्ट कर देंगे आपस में दोनों को। तो यहाँ पर ये बल्ब जलने लगे है इसका। और अब वोल्टेज टेस्ट करते हैं, रेड वाले वायर के अंदर 5 वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है और ये 3.3 वोल्टेज की लाइन के अंदर 3.4 वोल्टेज आ रहा है। और ब्लू वायर के अंदर -12 वोल्टेज आने चाहिए, यहाँ पर 11.9 वोल्टेज आ रहे हैं और ये 12 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। यानी दोस्तों, ये एसएमपीएस ठीक हो गई है। और अब इस एसएमपीएस को वेरिएबल एसएमपीएस कैसे बनाते हैं आने वाले वीडियो के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।